Hello students, how are you all? I hope you are all fine. आज हम लोग क्लास 5 का कंप्यूटर का चैप्टर 3 वर्किंग विथ टेबल इन एमएस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, इससे पहले हम लोगों ने एमएस वर्ड के बारे में पढ़ा था, बट इस बार हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमएस वर्ड में कैसे टेबल क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये आप लोग का चैप्टर 3 है, क्लास 5 का है। पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें क्या क्या इस चैप्टर से मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर पहले तो आप लोग यहाँ पे टिक करो और डेट दो, ठीक है। जिस दिन आपका क्लास होगा उसका डेट देना आपके लिए मस्ट है, ज़रूरी है, तो डेट यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। डेट देने के बाद यहाँ पे हम लोग चैप्टर से क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे वीडियो। तो इस जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिएटिंग टेबल, कैसे टेबल क्रिएट कर जा सकता है, एंटरिंग टेक्स्ट इन द टेबल, कैसे हम लोग टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं, मॉडिफाई टेबल, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं रो कॉलम, मार्क सेल्स, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग सेल्स, डिलीट रो कॉलम, और फॉर्मेटिंग एंड ए टेबल, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं टेबल को, वो अलाइनमेंट जो है, रिसाइजिंग है, अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग है, इसके बारे में जैसे एक्सेल में हम लोग करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं, बट एक्सेल का काम ही हम लोग अब एमएस वर्ड में करेंगे। बस वर्ड में कैसे हम लोग एक टेबल इनपुट कराएंगे, टेबल में क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तारित जानेंगे इस चैप्टर से। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली बहुत टाइप का हम लोगों को सेल के बारे में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज में शुरू करते हैं चैप्टर। सब नेक्स्ट पेज में आ जाओ। देखो नेक्स्ट पेज में जो पार्ट है वहां पे देखना आप लोग का, पहला जो पार्ट है वो यहां पे बोला है टेबल आर मोस्ट यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में टेबल जो फीचर है बहुत ही यूजफुल फीचर है। एक्सेल में तो हम लोग कर ही सकते हैं, बट वर्ड में भी हमें जो सेल की जरूरत होती है, उसके बाद टेबल की जरूरत होती है, टेबल हमें प्रोवाइड कौन करता है, ये एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है। अगर वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल में अगर हम लोग कोई काम करेंगे, ए टेबल कंसिस्ट ऑफ मेनी कॉलम्स एंड रो, तो इसमें क्या रहता है, बहुत सारा कॉलम्स एंड रो रहता है। वी कैन फॉर्मेट आवर डॉक्यूमेंट इनटू द कॉलम एंड रोज, ए रो इज द हॉरिजॉन्टल सीरीज ऑफ द सेल इन द टेबल। तो एक हॉरिजॉन्टल जो सीरीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। रो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल सीरीज होता है। तो हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चंस मिल गए, रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम क्या होता है, वर्टिकल होता है, ठीक है। एक साथ ये मिलके क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। एंड इंटरसेक्शन ऑफ द कॉलम इज अ रो इज ए सेल, तो ये रो और कॉलम का जो मिक्सर होता है, सपोज रो और कॉलम के लिए जो बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, और एंटायर जो ये बनता है इसको हम लोग बोलेंगे टेबल। तो पहले देखो क्या दिया है, क्रिएटिंग टेबल, कैसे हम लोग एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता चला, तो ये पोर्शन है सेल, ये भी सेल, ये भी सेल, रो और कॉलम, और ये टोटल एंटायर क्या है, एक टेबल है, ठीक है। तो ये एक टेबल है, ये सब सेल्स है। तो कैसे हम लोग करेंगे क्रिएटिंग ए टेबल, तो यहां पे बोला गया है कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल को। मुझे यू कैन क्रिएट ए स्मॉल टेबल बाय यूजिंग द इंसर्टिंग टेबल आइकॉन, और द बिगर टेबल बाय यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड अंडर द इंसर्ट मेनू। तो इंसर्ट मेनू में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एंटर कर सकते हैं यूजिंग द इंसर्ट टेबल आइकॉन। तो इंसर्ट टेबल आइकॉन जो ऑप्शन रहता है वर्ड में, उस वर्ड में हम लोग जाके ये काम कर सकते हैं। टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल आइकॉन फॉलोइंग द स्टेप, तो कौन सा स्टेप हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्या होता है, क्लिक द इंसर्ट टैब, पहले इंसर्ट टैब में आप लोग क्लिक करें, क्लिक द टेबल आइकॉन फ्रॉम द टेबल ग्रुप, ए ग्रुप ड्रॉप डाउन मेनू शोइंग ए ग्रिड एरर्स। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ग्रुप ए ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होता है, कहाँ पे, जब हम लोग टेबल आइकॉन में क्लिक करेंगे। मूव द कर्सर ओवर द ग्रिड
इट वॉज गेट हाईलाइटेड। तो अगर हम लोग मूव करेंगे जो ग्रिड निकलेगा यहाँ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारा जो एक ग्रिड निकलेगा, ग्रिड में हम लोग जितना चाहे ग्रिड लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा टेबल बनता रहेगा। तो क्या होता है, पहले हम लोग टेबल ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इंसर्ट मेनू में जाएंगे, यहाँ पे जो इंसर्ट मेनू है इंसर्ट मेनू में क्लिक करेंगे, वहां के बाद टेबल खुलेगा, टेबल में क्लिक करेंगे, उसके बाद ये ग्रिड आएगा, ग्रिड में सिलेक्ट करेंगे तो हमारा टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट, सिलेक्ट द नंबर ऑफ रो कॉलम, कितना रो कॉलम आपको चाहिए सिलेक्ट करो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पेज में आओ। नेक्स्ट पेज में क्या बोल रहा है, ए टेबल विद द रिक्वायर्ड ऑफ द नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम विल बी इंसर्टेड एट द डिक्रीज प्लेस। तो क्या होता है, जो रो कॉलम का जो मिक्सर होता है वो क्या होता है, एक साथ बनाते हैं पूरा सेल को। उसके बाद देखो और एक दिया है, स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे, और एक स्टेप्स मिलेगा आपको, वो क्या है, यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड। तो इंसर्ट टेबल कमांड को भी यूज करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। कैसे, यू कैन क्रिएट बिगर टेबल बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल कमांड। दिस ऑप्शन हेल्प्स यू टू क्रिएट ए टेबल विद द मोर देन 10 कॉलम्स एंड 8 रो। तो 10 कॉलम्स और 8 रो मिला के हमें क्या करता है, एक टेबल बनाने में हेल्प करता है। टू क्रिएट ए टेबल यूजिंग द इंसर्ट टेबल कमांड फॉलोइंग द स्टेप। क्या क्या स्टेप है, स्टेप देखो यहाँ पे क्या किया है, क्लिक द इंसर्ट टैब, क्लिक द टेबल आइकॉन फ्रॉम द टेबल ग्रुप, एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स, क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन। तो पहले इन्होंने क्या है, इंसर्ट मेनू में ही क्लिक किया है, वहां पे टेबल आइकन है, टेबल आइकन में क्या क्या है मैं क्लिक किया है, उसके बाद टेबल ग्रुप में गए हैं, मतलब यहाँ पे एक टेबल ग्रुप है, टेबल ग्रुप में क्या है, यहाँ पे टेबल ग्रुप में गए हैं, और उसके बाद इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल ऑप्शन जो है, इंसर्ट टेबल मतलब इस ऑप्शन में क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसा और एक पेज खुलेगा जहाँ पे आप लोग कितना आपको कॉलम चाहिए, कितना आपको रो चाहिए, उसको आप खुद से दे सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये है मेन ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 कॉलम्स लिया गया है, 3 रो लिया गया है, तो इसके जरिए क्या होता है, ऑटो कर देने से, ओके कर देने से ऑटोमेटिक आपका सेल बन जाएगा, सेल क्रिएट हो जाएगा, मतलब टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो हमें रो और कॉलम खुद से लेने की भी आज़ादी है, मतलब कंप्यूटर हमें जितने भी रो और कॉलम दे रहा है उससे बाहर जाके भी हम लोग खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हैं रो और कॉलम्स। उसके बाद देखो यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। उसके बाद मतलब जब हमने जहाँ तक पढ़ा है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 रो और कॉलम के बारे में देंगे, कितना कॉलम चाहिए हमें, कितना रो चाहिए, उसके बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे, तब तो क्या करेंगे, तो इंसर्ट द टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर वहाँ पे आएगा, वहाँ पे ऐसे एंटर द नंबर ऑफ द कॉलम एंड एज ए रो रिक्वायर्ड, कितना कॉलम चाहिए या रो चाहिए आप लोग जितना मर्जी दे सकते हो, 10, 20, 30 रो दे दिया आपने, 10 कॉलम दे दिया 10, तो ऑटोमेटिक एक टेबल जो बनेगा उसमें रो और कॉलम 10 रहेंगे, मतलब सेल रहेगा, 20 आपका हो जाएगा वहां पे। उसके बाद आप लोग जब ओके करोगे तो टेबल ऑटोमेटिक ऐसा एक टेबल बन जाएगा। द टेबल विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ रो एंड कॉलम विल बी क्रिएटेड ऑन द पेज। तो उस पेज में आपका एक स्पेसिफिक रो और कॉलम दे के टेबल बन जाएगा। ठीक है, इजंट इट। तो ये तो था आपका चैप्टर का वीडियो फर्स्ट पार्ट। ऐसे हम लोग, आपको पता ही है हम कंप्यूटर में 3 पार्टों में वीडियो बनाते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये जितना पोर्शन है ये आपका पार्ट 1 सेक्शन में जाएगा, पार्ट 1 वीडियो कंप्यूटर का। तो चैप्टर 3 क्लास 5 आप लोग यहाँ पे सब डेट दोगे जिस डेट में आप पढ़ाई कर रहे हो, और ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है आपका लेसन का। इसके बाद हम लोग क्या एंटरिंग, कैसे टेक्स्ट उसमें डालेंगे, कैसे एडिट करेंगे, कैसे प्लस माइनस कर सकते हैं, इसके बारे में भी विस्तारित जानेंगे। सो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से चैप्टर पढ़िए, और अगर हो सके तो कैसे हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप को आप ठीक से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टेप अगर आपको मालूम है तो आपको पता चलेगा कि आप लोग कैसे काम कर रहे हो, कैसे एक टेबल बन रहा है, रो कॉलम कैसे बन रहा है,
यही पोर्शन आपको बाद में जाके एक्सेल में भी, एमएस एक्सेल जब आएगा आपका उसमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी इस तरीके का हम लोग रो कॉलम के जरिए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल हमारा बहुत काम का एक चीज़ है, टेबल के जरिए हम लोग रिजल्ट कर सकते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, सैलरी स्लिप बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्लिप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो टेबल जानना एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो एम एस वर्ड का जो पार्ट हम लोगों ने कैसे इंसर्ट किया, इसको आप लोग 2-3 बार रीड करो, वीडियो अच्छी तरह से देखो और अपना ख्याल रखना सब, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे डेट अवश्य देना। नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो जाएगा पार्ट टू का, उसमें हम फिर थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, और इस स्टेप बाय स्टेप वीडियो के साथ आपको भी रेगुलरली पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा। जितना चैप्टर आप लोग पढ़ोगे उतना चैप्टर आपके पास क्लियर होगा, और क्लियर चैप्टर समझने में भी इजी होता है, देखने भी। अगर आपके पास चैप्टर पढ़ने के बाद फिर से वीडियो देखो, एक बार वीडियो पहले देख लिया, चैप्टर पढ़ लिया, फिर वीडियो देखो, इससे आपके पास और भी क्लियर होगा, आपका जो थॉट है और भी क्लियर होगा, आपका क्वेश्चन क्लियर होगा ऑटोमेटिक। तो इसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। तो वीडियो जैसे जा रहा है आपके पास, आपको पढ़ना भी खुद से है, ठीक है। अपना ध्यान रखना सब, और थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट दिन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। बाय ऑल ऑफ यू।